आउटसोर्स कर्मचारी और असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आउटसोर्स कर्मचारी रोहित मिश्रा ने असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा पर प्राणघातक हमला करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल विगत कुछ माह से यह विवाद चल रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह मीटर रीडर का काम करता था। निजी कंपनी में काम दिलवाने के नाम पर असिस्टेंट इंजीनियर ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बदले में कर्मचारी ने 20,000 दिए थे। पैसा देने के बाद भी जब उसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तो अपने पैसों की वो मांग करने लगा। असिस्टेंट इंजीनियर ने पैसा लौटाने की बजाय उस पर दबाव बनाया और उसी पर झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी ने पुलिस से शिकायत की तो उसके ऊपर हमला करवाया गया। हमला करवाने के बाद पुनः पीड़ित पुलिस से शिकायत की उसने और खबर मीडिया में भी चली, जिसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ने अपने ड्राइवर से कुछ पैसे वापस करा दिए। पैसा वापस करवाने का भी आउटसोर्स कर्मचारी ने वीडियो बनाया और पुनः मीडिया को दिया, जिससे बौखलाए नरेंद्र शर्मा ने एक बार फिर उसके ऊपर प्राणघातक हमला करवाया है। आइए सुनते हैं पीड़ित ने पूरी घटना के संबंध में क्या कहा है। और जब इस मामले ने असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने पूरे आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि नौकरी से निकालने के चलते इसने ये मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। सर, एमपी कार्यपालन यंत्री जो नरेंद्र मिश्रा हैं, उनके खिलाफ मैं 30 तारीख को आवेदन दिया था। वो जानलेवा हमला मेरे ऊपर करवाए थे। उनका एक वीडियो सर पैसा देने का जो मेरे पास था वो मेरे मोबाइल में। कल शाम को सर मैं 8:30 बजे अपने पहाड़िया सब स्टेशन में ऑपरेटर हूँ, वहाँ से चला मैं और नीम चौराहा से जो बोदाबाग से रेलवे स्टेशन रोड निकलती है उसके आगे जैसे लगभग 9:30 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे दो आदमी पहले खड़े थे, वो लोग मुझे रुकवाए और इसके बाद तुरंत एक मिनट बाद दो लोग एक बाइक में फिर से आ गए और वो लोग डंडा लिए और डंडे से मेरे यहाँ पूरे पीठ में मारे हैं, पूरे शरीर में। इसके बाद तुरंत उसके एक मिनट बाद एक गाड़ी और आई जिसमें पीछे नरेंद्र मिश्रा बैठे थे, सिर मुड़वाए थे और एक आदमी गाड़ी चला रहा था। नरेंद्र मिश्रा मुझसे बोले कि अपना फ़ोन दो तो छोड़ दूँगा। तो मैं मोबाइल जैसे ही अपना दिया तो मेरा फ़ोन लेके अपने जेब में डाले और फिर अपने साथियों से बोले कि जल्दी ख़त्म करो था लेको और चलो। तो वो आदमी मेरे यहाँ चाकू मतलब वैसे मारा कि मैं मतलब सर ऐसे हाथ अपना उठा लिया तो मेरे यहाँ पर पूरा चाकू लगा है, कान में मेरे लगा हुआ है। नरेंद्र मिश्रा से क्या विवाद था आपका? नरेंद्र मिश्रा मुझसे घूस के रूप में पैसा लिए थे 20,000 रुपये मीटर रीडर के लिए रखने के लिए और फिर 30,000 रुपये की और मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैं कलेक्टर साहब को, SP साहब को, आप लोग के माध्यम से लगातार मीडिया के माध्यम से उनका वीडियो ऑडियो सब कुछ मैं वायरल किया था और मेन उनको पैसा देने का वीडियो मेरे मोबाइल में था, जिसके चलते सहायक अभियंता भूपेश विक्रम सिंह साहब हैं वो हमारा वीडियो देखे थे और वो बोल रहे थे कि ये सब मत करो, तुम शिकायत मत करो, तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी मिल जाएगी जहाँ पे तुम कर रहे थे। हेलो, नरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। नरेंद्र मिश्रा जी, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ बताओ पांडे जी। ये आपके खिलाफ एक आपका पुराना या मीटर वाचक है, आउटसोर्स कर्मचारी, कई बार आरोप लगा चुका। पहले लगाया था 50,000 रुपए दिया, फिर 20,000 दिया, मारपीट किया, आज फिर से पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कह रहा है अपहरण करवाया गया, मारा गया। यह हकीकत क्या है इसमें, क्या आपका इतने फर्जी है? बदमाश मीटर रीडर तो बाहर किया, हाँ उसमें तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। नहीं तो पहले लगाया था कि वो नौकरी दिलाने के नाम पर लिया, फिर ऑडियो वायरल किया कि उसमें पैसा ड्राइवर आपका नंदू था कोई पहुंचाया, फिर आज फिर लगाया कि चाकू मरवा दिया। आपका पक्ष नहीं आया, आपकी तरह से कोई शिकायत भी नहीं की गई कि आखिर क्यों? नहीं नहीं बताइए ना मेरे को। मैं ये क्या है कि हमारे लेवल का कोई मांगेगा जवाब तो हम जवाब देंगे, पुलिस वाले विवेचना करेंगे तो हम जवाब देंगे विवेचना का। अच्छा, अब वैसे तो कोई भी बोलते रहे तो कहाँ तक जवाब देते रहेंगे। नहीं बात सही है, लेकिन और किसी पर नहीं लगाया ना, इसलिए मैं आपसे पूछा कि आप पर क्यों लगा रहा है आखिर ये। अब हमारे पास तो 78 मीटर रीडर है जी, अब उसी को अपन बोले कि एक मीटर रीडर ये कर रहा है तो। अच्छा अच्छा, तो ये जो ड्राइवर था ऐसा कुछ नहीं है, एक बार वीडियो आया था ये तो नंदू करके कोई ड्राइवर है क्या आपका? नहीं हमारे पास था वो, इन्हीं के रिश्तेदार था, हम भगा दिए उसको हमने। अच्छा, तो ये पहले का ऑडियो था क्या जो वायरल किया था, ये बहुत पहले का ऑडियो था क्या?
अब ये क्या है कि सब इन्हीं के रिलेटिव हैं, सब यहीं पे जिंदगी भर रह गए हैं। हाँ ये तो क्या षड्यंत्र के तहत है कि अब भाई अब हमको नौकरी से निकालोगे तो फिर हम देखते हैं आपको। अच्छा वो वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें पैसा लौटाने का एक वीडियो आया था, हम लोगों ने खबर में भी चलाया था, तो वो वीडियो में क्या जो व्यक्ति दिख रहा था तो आपका आदमी था जो पैसा वापस किया था कि कोई इन्हीं का आदमी था? नहीं ड्राइवर तो हमारा ही था वो। हाँ पर कौन आदमी किस स्थिति पे क्या बोलता है उसके बाद वाला ऑडियो वीडियो देखा आपने? तो हमारे जेई कोई गाली दे रहा है वो। हाँ तो अभी कल ऐसे आदमी के अपन साहब क्या वो करें कि जो हमारे एक अधिकारी को गाली बक रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत तो करनी चाहिए ना, अगर गलती नहीं तो उसके खिलाफ अधिकारियों को भी। नहीं हम अधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए, अपन ने की है शिकायत। अच्छा आपने अपन हमने की है, हमने सूचना दी है, एसपी साहब को भी दी है, कलेक्टर साहब को भी दी है जी। पर क्या हम उसमें रिजल्ट होके नहीं बोल सकते ना कि एफआईआर आप दर्ज करिए। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस का काम है, प्लेटफॉर्म है, पुलिस विवेचना करेगी, अब हम थोड़ी लेमैन हैं। तो कुल मिलाकर जिसका आरोप है था इसको काम से निकालने लापरवाही कारण निकाला गया था। हाँ 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 निराधार है, मतलब जो इसको काम से निकाला गया था तो वो इसकी लापरवाही के कारण था होगा। कुछ नहीं बहुत सारे कारण है। अच्छा कहीं पैसा ले लेना, ये करना, वो करना। अब हमको क्या, हमको तो जनता को देखना है ना कि जनता की जेब ना लूटे कोई। अगर हम सुबह दिन भर मेहनत करते हैं तो ये नहीं चाहेंगे वो हमारी जनता को मूर्ख बना के और कोई अनावश्यक उनसे पैसा वसूल करे। अब ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोला कल इसका अपहरण करके आपने मोबाइल छीन लिया, रास्ते में थे आप, सर मुड़ाए हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, वो क्या कहानी है? कुछ नहीं है, कल तो मैं ऑफिस में था, मेरी बात हुई थी थाना प्रभारी महोदय से, हमने बोला विवेचना कर लीजिए, मोबाइल टावर लोकेशन निकाल लीजिए, स्वतंत्र हैं पुलिस के पास तो हर राइट है। अब मैं आपको बोल लूँ कि आप हमारे ऑफिस आए थे, आप पत्थर मार गए, कोई मतलब नहीं निकलता ना। कुल मिलाकर ये वही जो नौकरी से इसको निकाला गया उसकी वजह से ये सब साजिश करके इस तरह कर रहा है। ठीक है।